Hello everyone, let's start with question number 2. It says Kamala borrowed 26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum, compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? So principal हमें दिख रहा है कि उसने 26,400 borrow किए. Rate हमें समझ आ गया, it is 15% per annum. अब जो यहाँ पे टाइम की बात हो रही है वो दिया हुआ है आपको 2 years and 4 months. तो आपने यहाँ पे इस कैटेगरी वाले क्वेश्चंस में क्या करना है, 2 years को तो एज इट इज रखना है, बट 4 months को आपने ईयर में कन्वर्ट करना है. तो 4/12 ईयर्स हो जाएंगे. 4/12 को और रिड्यूस करोगे तो 1/3 हो जाएगा. तो आपने ये जो 2 years वाला है इसको तो डायरेक्ट आप कंपाउंड इंटरेस्ट वाले से निकाल सकते हो, लेकिन 1/3 वाले को कंपाउंड इंटरेस्ट से नहीं निकाल सकते. तो आपको सिंपल इंटरेस्ट यूज करना पड़ेगा टू फाइंड द इंटरेस्ट फॉर 1/3 ईयर्स. सो सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे फॉर 2 ईयर्स. तो एन हमारा फर्स्ट वाले केस में 2 रहेगा. तो फॉर्मूला हमें पता है, इट इज अमाउंट इक्वल्स प्रिंसिपल 1+r/100 रेस टू पावर एन. प्रिंसिपल कितना है 26,400. 1+r, r कितना है 15/100 रेस टू पावर एन. एन कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 2 दिया हुआ है हमें, 2 ईयर्स के लिए निकाल रहे हैं. सो दिस इज 26,400 इन ब्रैकेट 115/100. एलसीएम ले लिया क्योंकि 100 इधर जाएगा और 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई 100+15 इज 150 का होल स्क्वायर. 115 और 100 को आप 5 के टेबल से कैंसिल कर सकते हो. सो ये हो जाएगा 23 पे आता है और ये आता है आपका 20 पे. सो दिस इज 26,400 इनटू 23/20 आपका 2 बार आएगा. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे. अब आपके पास ऊपर बचा 264 × 23 × 23 / 4. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 264 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 132. 2 से एक और बार 132 को डिवाइड करो 65 और 66. अब 66 23 को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 34,914. ये आ गया अमाउंट आ गया. अब यहां से अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट 2 ईयर्स के लिए. तो इंटरेस्ट कैसे निकलता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट है आपका 34,914, प्रिंसिपल है आपका 26,400 विच इज 8,540. अब जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था कि आपको 1/3 ईयर्स के लिए कैलकुलेशन कौन सी करनी पड़ेगी, सिंपल इंटरेस्ट की. सो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जब आप यहाँ से अमाउंट निकाल लेते हो ना फर्स्ट वाले केस के लिए, वो हमारा प्रिंसिपल बन जाता है फॉर नेक्स्ट ईयर्स. सो ये जो हमारा 34,914 आंसर आया ये अब हमारा प्रिंसिपल बन गया. प्रिंसिपल बन गया तो अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे फॉर 4 मंथ्स. सो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी ओवर 100. प्रिंसिपल हो गया आपका 34,914, रेट हो गया आपका 15, टाइम हो गया आपका 1/3 ओवर 100. 3 और 15 को कैंसिल करते हैं 5, दिस विल बी 1, दिस विल बी 20. सो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1745.7. सो ये सिंपल इंटरेस्ट आया फॉर 1/3 ईयर्स. तो अब हमें बताना क्या था कि टोटल अमाउंट कितना लग. सो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों का इंटरेस्ट मिला के, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला इंटरेस्ट भी मिला के और सिंपल इंटरेस्ट वाला इंटरेस्ट भी मिला के. सो प्रिंसिपल इनिशियली कितना था 26,400 प्लस
इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा, पिछले वाले में था 8,000 समथिंग, ये रहा 8,540। प्लस ये वाला इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेंगे 1,745.7। सो सबको मिला दो, सबको ऐड कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 36,659.73। सो दिस इज द अमाउंट कमला विल पे टू द बैंक, दिस इज इन रुपीज। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। आई होप यू लाइक इट।